दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अजूबों से भरी हुई है। हर एक जानवर, इंसान और पेड़ पौधों और कुदरत ने बहुत सी मशक्कत के साथ हमें बनाया है। दोस्तों, अगर ये दुनिया नकली हो और कंप्यूटर से बनी हो और हम उस कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा हो तो क्या होगा? मैट्रिक्स फिल्म में कुछ ऐसी ही कल्पना को प्रस्तुत किया गया था, जहां इंसान मैट्रिक्स इस कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा होते हैं। हर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई ना कोई बग या कमी होती है। क्या हमारी इस दुनिया में भी कोई बग या कुछ कमी है? दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही घटित घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में जानकर शायद आपको भी लगे कि क्या हमारी दुनिया भी नकली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैन वॉक टू मिरर विद नो रिफ्लेक्शन। दोस्तों, हमने मूवीज में देखा है वैम्पायर, पिशाच, भूतों का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ किस्से कहानियों में ही हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। अगर यही हमें असलियत में देखने को मिले तो हमें यकीन नहीं होगा। ये वीडियो एक मॉल या शॉप का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर मॉल में या शॉप में मौजूद हर एक चीज का रिफ्लेक्शन हमें मिरर में दिखाई दे रहा है। एक आदमी जब उस मिरर के सामने गुजरता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, लेकिन तभी दूसरा आदमी उस मिरर के सामने से गुजरता है तो कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। मैन अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर। गायब होने की टेक्निक आज भी हमारे विज्ञान के पास नहीं है। अगर होती तो क्या होता? वही होता जो इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। इस रास्ते पर जहां काफी लोगों की आवाजाही है, अचानक एक इंसान प्रकट हो जाता है और उसको कोई नोटिस भी नहीं करता है। उसका इस तरह प्रकट होना आश्चर्य की बात है। आखिर ये इंसान आया कहां से? स्लो मोशन में देखने पर भी कुछ पता नहीं चल पाया। प्लेयर्स मूविंग इन द सेम मोशन। इस वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं, दो टीमों के बीच बास्केटबॉल मैच चल रहा है। लगभग घटनाएं नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर गौर करना जरूरी है। अचानक से सभी प्लेयर्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। अचानक 8 प्लेयर्स का बॉडी मोशन एक ही जैसा था। इत्तेफाक होता तो ये 3 या 4 प्लेयर्स के लिए ही होता, 8 के लिए नहीं। लोगों की एक ही डायरेक्शन में सेम मोशन के साथ भागने की संभावना ना के बराबर होती है। ये घटना चौंकाने वाली थी या हमारी दुनिया मैट्रिक्स की तरह नकली होने का सबूत? उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉग अपीयर्स आउट नोवेयर। चिली में कार रेसिंग का आयोजन किया गया था। नॉर्मल कार रेसिंग चल रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने देखा कि जिस रास्ते से एक पल पहले कार गुजरी थी, वहीं अचानक से एक कुत्ता प्रकट हो गया। पता नहीं अचानक ये कुत्ता कहां से आया, मगर अगर वह पहले से ही वहां होता तो कार की टक्कर से मर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह अचानक ऐसे वहां दिखा जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। गर्ल टेलीपोर्ट्स एट एयरपोर्ट। टेलीपोर्ट एक ऐसी तकनीक है जो आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझा पहलू है। आज तक इंसान एटम या फोटोन की एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर पाया है, लेकिन एक इंसान को टेलीपोर्ट करना आज भी विज्ञान के लिए नामुमकिन है। इस एयरपोर्ट पर देखिए, इंटरव्यू चल रहा था। यहाँ खड़ी इस महिला की ओर ध्यान दीजिए। एक महिला अपना सामान लेकर आगे से चली जाती है और जब पीछे देखती है तो वहीं खड़ी महिला वहां नहीं होती है, अचानक से गायब हो जाती है। मोशनलेस ब्लेड्स ऑफ फ्लाइंग हेलीकॉप्टर। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए ऊपर लगे ब्लेड्स का घूमना कितना जरूरी है। क्या हो अगर ये ब्लेड्स बिना हिले भी हेलीकॉप्टर उड़ता रहे? जैसे कि आप देख सकते हो, इस हेलीकॉप्टर का एक भी ब्लेड मूव नहीं कर रहा, फिर भी ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। इसके पीछे एक विज्ञान छुपा है। जब भी हेलीकॉप्टर के ब्लेड के घूमने की गति शूट कर रहे कैमरे की FPS यानी फ्रेम पर सेकंड से मैच हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये ब्लेड नहीं घूम रहे, पर दरअसल ये घूम रहे होते हैं। और इसी इफेक्ट्स की वजह से कई बार हमें ब्लेड उल्टा भी घूमता हुआ नजर आता है। सिटी फ्लोटिंग इन द मिड एयर। 2015 में चाइनीज मीडिया में एक बहुत ही रहस्यमय वीडियो वायरल हुई थी। विश्लेषण के बाद भी ये वीडियो असली है या नकली, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला।
वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा शहर बादलों में दिखाई दे रहा है। ये एक काफी हैरान करने वाला मामला था, कैसे एक पूरा का पूरा शहर आसमान में मौजूद हो सकता है। शोधकर्ता कहते हैं कि अगर ये वीडियो सच है तो ये बहुत ही खूबसूरत सच या वातावरण में धोखा है, या ये एक आंखों का धोखा भी हो सकता है। शहर पर गिरी प्रकाश की किरणें 200 या 200 से अधिक जगहों पर रिफ्लेक्ट होती है, तो इस तरह का धोखा हो सकता है। लेकिन अगर हमारी दुनिया नकली है, ये फ्लोटिंग सिटी जरूर एक तरीके का ग्लिच होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।